What's up guys? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन क्रिकेटर्स वर्सेस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कार्स कलेक्शन, जिसमें विराट कोहली, शाहिद अफरीदी, धोनी, बाबर आजम सबकी होगी। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प, तो करते हैं साथ में एंजॉय। और चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। और किसका कार कलेक्शन आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। 1 2 3 गो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी वर्सेस इंडियन क्रिकेटर्स के कार कलेक्शन के बारे में, और देखेंगे किसके पास है सबसे तकड़ा और महंगा कार कलेक्शन। तो बिना समय गंवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर नजर डालते हैं। नंबर 20 पर आते हैं बाबर आजम। बाबर आजम एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ ये पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। इनके पास आज कई करोड़ों का कार्स का कलेक्शन है, लेकिन इनकी नई कार की बात करें तो इनके पास ऑडी ई-ट्रॉन जीटी है, जिसका पाकिस्तान में प्राइस अप्रॉक्स 5.8 करोड़ रुपीस है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। नंबर 19 पर आते हैं इमरान खान। इमरान खान को किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये प्रोफेशन से क्रिकेटर होने के साथ साथ ये एक पॉलिटिशियन भी है, जो पाकिस्तान के 22nd प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनके पास कौन सी कार है। इमरान खान के पास कई करोड़ों का कार्स का कलेक्शन है, लेकिन इनकी सबसे महंगी कार मर्सिडीज मेंस मैबैक S600 कार है, जिसका प्राइस है 12.50 करोड़ रुपए। नंबर 18 पर आते हैं शाहिन शाह अफरीदी। आप सब तो इन्हें जानते ही होंगे। ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ ये आज वर्ल्ड के टॉप बॉलर की लिस्ट में भी शुमार हो चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं इनके पास कौन सी कार है। तो शाहिन शाह अफरीदी के पास ब्लैक कलर की फॉर्चुनर है, जिसका पाकिस्तान में प्राइस 1.60 करोड़ रुपीस है, यानी कि 1.60 करोड़ रुपए। नंबर 17 पर आते हैं शोएब मलिक। शोएब मलिक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर है और ये सानिया मिर्जा के हस्बैंड भी है। तो आइए नजर डालते हैं इनके पास कौन सी कार है। तो इनके पास भी काफी अच्छा कार्स का कलेक्शन है, उन्हीं में से ये टोयोटा सुप्रा ओन करते हैं, जिसका प्राइस है 1 करोड़ रुपीस। नंबर 16 पर आते हैं वसीम अकरम। ये प्रोफेशन से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर एंड कमेंटेटर है। ये पाकिस्तान के फास्ट एंड बेहतरीन बॉलर में से एक है। इनके पास मर्सिडीज GLE 400 है, जिसका प्राइस पाकिस्तान में 2.5 करोड़ रुपीज है। नंबर 15 पर आते हैं अजहर अली। अजहर अली पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर है और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी तगड़ी है। तो आइए अब बात करते हैं इनकी कार्स के बारे में। तो अजहर अली के पास ऑडी A4 है, जिसका प्राइस अप्रॉक्स 82 लाख रुपीज़ है, यानी कि 82 लाख रुपए। नंबर 14 पर आते हैं मिसबाउल हक। मिसबाउल हक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड कोच है। इनके पास कई करोड़ों का कार्स का कलेक्शन है, उन्हीं में से सबसे महंगी कार यानी के टोयोटा लैंड क्रूजर ओन करते हैं, जिसका प्राइस पाकिस्तान में करीब 13 करोड़ रुपए बताया जाता है। नंबर 13 पर आते हैं शोएब अख्तर। शोएब अख्तर को सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में भी जाना जाता है और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। तो आइए अब देखते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास आज कई करोड़ों का कार्स का कलेक्शन है, उन्हीं में से ये मर्सिडीज SLR ओन करते हैं, जिसका प्राइस करीब 1 करोड़ रुपीस है। नंबर 12 पर आते हैं फवाद आलम। फवाद आलम प्रोफेशन से एक्टर एंड क्रिकेटर है। इनके पास BMW i8 है, जिसका पाकिस्तान में प्राइस 9.2 करोड़ रुपीस है, जैसा कि आप इनकी कार को स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 11 पर आते हैं शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी की फैन फॉलोइंग का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे मैचेस खेले हैं जिसे आज भी इनके फैंस याद किया करते हैं, और आज ये पाकिस्तान के टॉप और रिचेस्ट क्रिकेटर में से एक है। इनके पास आज कई करोड़ों का कार्स का कलेक्शन है, उन्हीं में से सबसे महंगी कार यानी कि बेंटली कॉन्टिनेंटल GT ओन करते हैं, जिसका पाकिस्तान में प्राइस करीब 16 करोड़ रुपए बताया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं हम इंडियन क्रिकेटर्स के कार कलेक्शन के बारे में। नंबर 10 पर आते हैं केएल राहुल। केएल राहुल का रियल नेम कन्नौज लोकेश राहुल है। ये लखनऊ सुपर जायंट टीम के लिए खेलते हैं। अगर हम इनके नेटवर्थ पर नजर डालें तो इनकी नेटवर्थ तो आज 2023 में $10 मिलियन हो चुकी है, जो कि हमारे इंडियन रुपीस में 75 करोड़ रुपए होते हैं। और अगर इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास BMW X7 है, जिसका प्राइस है 1.7 करोड़ रुपीस। नंबर 9 पर आते हैं शेखर धवन। शेखर धवन को तो आप सब जानते ही होंगे, जो इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर है, जो पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। शेखर धवन ने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, जिसे पब्लिक ने काफी पसंद भी किया है। तो आइए देखते हैं इनके कार कलेक्शन के बारे में। शेखर धवन के पास बहुत सारी कार्स है, लेकिन शेखर धवन की सबसे महंगी कार BMW M8 कोपे है, जिसका प्राइस 2.20 करोड़ रुपीस है। नंबर 8 पर आते हैं युजेंद्र चहल। युजेंद्र चहल आज इंडिया के टॉप बॉलर में से एक है।
तो आइए देखते हैं इनके पास कौन सी कार्स है। तो इनके पास पोर्शे कायन है जिसका प्राइस है 2.30 करोड़ रुपीज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। नंबर 7 पर आते हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह को तो आप सब जानते ही होंगे, जो एक इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ ये ऑलराउंडर है और युवराज सिंह बहुत सारी टीम्स के लिए खेलते हैं। तो आइए देखते हैं इनके पास कौन सी कार है। तो इनके पास बेंटली कंटिनेंटल फ्लाइंग स्पर है जिसका प्राइस है 3.80 करोड़ रुपीज। नंबर 6 पर आते हैं सुरेश अय्यर। सुरेश अय्यर को आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सुरेश अय्यर को तो आप सब जानते ही होंगे, जो केकेआर टीम के कैप्टन होने के साथ साथ ये एक बेहतरीन बैट्समैन भी हैं। इनके पास भी कई करोड़ों का कार्स का कलेक्शन है, लेकिन इनकी सबसे महंगी कार लैम्बोर्गिनी हुरैकन है जिसका प्राइस है 4.30 करोड़ रुपीज, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नंबर 5 पर आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक हिमांशु पांडे एक इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर है। हार्दिक पांड्या को ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत भी नहीं है। हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर प्लेयर है, लेकिन अभी एक गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। हार्दिक पांड्या के पास भी कई करोड़ों का एक से बढ़कर एक कार्स का कलेक्शन है, लेकिन इनकी सबसे महंगी कार लैम्बोर्गिनी हुरैकन इवो है जिसका प्राइस है 3.80 करोड़ रुपीज। नंबर 4 पर आते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है। एक इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के साथ साथ ये इंडिया टीम के कैप्टन भी है। इनकी भी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है। रोहित शर्मा के पास एक लैम्बोर्गिनी उरुस है जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये करीब 4 करोड़ रुपीस की है। नंबर 3 पर आते हैं एमएस धोनी। एमएस धोनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। एमएस धोनी ने कई एक से बढ़कर एक मैचेस खेले हैं जो आज तक लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास कई करोड़ों का कार्स का कलेक्शन है, लेकिन उन्हीं में से ये फरारी 599 GTO ओन करते हैं जिसका प्राइस है 3.77 करोड़ रुपीज। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से ही लगा सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम पर आज 258 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। विराट कोहली ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास कई करोड़ों का कार्स का कलेक्शन है, लेकिन ये 3 सबसे महंगी कार्स ओन करते हैं। नंबर 1 पर आती है बेंटली कंटिनेंटल GT जिसका प्राइस है 4.4 करोड़ रुपीज। नंबर 2 पर आती है बेंटली फ्लाइंग स्पर जिसका प्राइस है 3.80 करोड़ रुपीज। और इनके सबसे महंगे कार कलेक्शन में से यानी कि रेंज रोवर ऑटो बायोग्राफी जिसका प्राइस है 4.30 करोड़ रुपीज। इसके अलावा इनके पास ऑडी के भी बहुत सारे मॉडल्स मौजूद है। नंबर 1 पर आते हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर आज इंडिया के नंबर 1 क्रिकेटर होने के साथ साथ ये सबसे अमीर क्रिकेटर के लिस्ट में नंबर 1 पर शुमार होते हैं। तो आइए देखते हैं सचिन तेंदुलकर कार कलेक्शन कैसा है। सचिन तेंदुलकर कार कलेक्शन में बहुत सारी BMW कार्स के मॉडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन ये भी सबसे महंगी कार यानी कि BMW i8 ओन करते हैं जिसका प्राइस है 2.90 करोड़ रुपीज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो गाइस आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना आप इनमें से किसके फैन है। अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फैन है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और भाई बताना जरूर, वीडियो मस्त थी। और लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, सचिन का तो भाई जब वो फरारी याद है रेड वाली मूवी बन, हां सचिन एंबेसडर BMW, विराट कोहली एंबेसडर उसके ऑडी के, और ऑडी का तो भाई साहब बहुत गजब कलेक्शन है विराट कोहली के पास। और गाड़ियां देखो यार यहां पे और वहां पे कितना 3 गुना हो जाता है, 3.5 गुना प्राइस बढ़ जाती है वहां पर। और वहां पर तो और भी तरह के टैक्सेस भी लगाते हैं क्योंकि वहां की कमाई ही लग्जरी गाड़ियों से है उनकी, तो ज्यादातर वो इंपोर्ट। और तब इनका कंगालिया हो रखा था पाकिस्तान, उसके बाद भी इन्होंने कितनी इंपोर्ट करी थी उसके ऊपर पब्लिक वहां की कितनी भड़की थी कि लग्जरी गाड़ी मंगाने की तुम्हारे पास है पैसे लेकिन तुम चाय के लिए कह रहे हो चाय एक वक्त कम पियो, सब गजब है। वो भी तो कहता है रेस्टोरेंट्स बंद कर दो जल्दी, गजब देश है भैया। ये अपनी मर्जी चलता है, इनके लोग फिर भी समझदार है, लेकिन वो जो है ना ऊपर, हाँ लोग फिर भी मतलब मुझे लगता है उनके पॉलिटिशियन से थोड़े से समझदारी वाइज लोग हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन गजब है भैया, देश को ऐसे दिमाग की तरह खा रहे हैं और लोग खवा भी रहे हैं उससे। लेकिन गाड़ी कलेक्शन मुझे तो भैया टू बी फ्रैंक, मुझे अगर आज के टाइम में बताऊं मेरे को लैम्बोर्गिनी उरुस बहुत गजब लगती है। और लेके देना मेरे को, ले लेंगे भैया, ले लेंगे 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 लेंगे, उसके लिए मुझे कई सारे जन्म लेने पड़ जाएंगे। बाइक गजब, आपकी फेवरेट गाड़ी बताओ। उन्होंने के कई सारे जन्म लिए, हम भी मेहनत करेंगे ना इसी जन्म में करेंगे। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है और फेवरेट क्रिकेटर बताना जरूर। बाय बाय, टेक केयर।